हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन को डिस्कस करेंगे। नंबर लाइन से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं नंबर लाइन, जब भी हम नंबर लाइन बोलते हैं इस प्रकार का लाइन आपको मिलेगा, एक तो इस प्रकार का लाइन मिलेगा। देखिए नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा इस प्रकार का मिलेगा और इसमें कुछ नंबरिंग होंगे, ठीक है। इसमें नंबरिंग होंगे, जिस प्रकार से हम कोई भी नंबर को हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी 6 तक हो गया, इसको यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको संख्या रेखा पे। तो शून्य से लेके शून्य की इस साइड में भी, शून्य की इस साइड में भी कुछ संख्या होती है जिसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इस प्रकार से संख्या को जब हम लाइन पे, एक लाइन पे लिखते हैं तो उसको हम संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा किसको कहते हैं, जब हम संख्या रेखा की बात करते हैं, यह रेखा ही पूर्ण संख्या। ओके, हम असली में हमारा जो चैप्टर जो है पूर्ण संख्याओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यह रेखा ही पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। जो अभी यहाँ पे मैंने दिखाया, यही रेखा ही पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। यहाँ संख्या रेखा की सहायता से किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। कोई भी दो बिंदु, मतलब यहाँ से शून्य से लेके 7 तक या 6 तक के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। 2 और 5 के बीच की दूरी की गणना करने के लिए हमें 3 मात्रक मिलेगा। अगर हम 2 और 5 के बीच का, ये 2 है यहाँ पे, ओके, उसके बाद हम 5 के बीच को, सो हमको अगर ये दोनों के बीच की दूरी को हम माप करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, आप काउंट करिए 1 2 3, तो कितना मिलेगा, जैसे अगर जाएंगे तो 1 2 3, 3 मात्रक मिलेगा, ठीक है, 2 और 5 के बीच की दूरी। तो इस प्रकार के अलग अलग दूरी को हम संख्या रेखा पे जान सकते हैं। उसके अलावा संख्या रेखा में पाया जाता है कि एक संख्या अपनी बाईं ओर की संख्या से बड़ी है और दाईं ओर की संख्या से छोटी है। देखिए ये जो संख्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं संख्या 7 6 को लेता हूँ, संख्या 6 को लेता हूँ, ओके, संख्या 6 होगा, ये संख्या 6 क्या होगा, अपनी जो दाईं ओर संख्या है, दाईं मतलब दाहिना ओर जो संख्या है, दाएं और इस साइड का, इस साइड के संख्या से ये संख्या 6 छोटा है, लेकिन बाईं ओर जो बाईं लेफ्ट साइड का जो संख्या है उससे ये संख्या क्या है, बड़ा है। तो संख्या रेखा से हमको क्या पता चलता है, जो संख्या का हम इंडिकेट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो दाहिने ओर मतलब दायां ओर संख्या बड़ा होता है और उसके बायां ओर संख्या छोटा होता है, ठीक है, संख्या रेखा पे। इसके बाद संख्या रेखा से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। संख्या रेखा पर घटाओ, इसको हम डिस्कस करेंगे, संख्या रेखा पर हम कैसे घटाते हैं उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली संख्या रेखा पे हम कैसे घटाते हैं, मान लीजिए हमको क्या घटाना है, 5 से 2 घटाना है, क्या घटाना है बेटा, 5 से 2 घटाना है। तो यहाँ पे संख्या रेखा पे हमने नंबरिंग कर दिया, क्या कर दिया, संख्या रेखा पे हमने नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने नंबरिंग कर दिया। और आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और 7, इस तरह से आगे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा, तो आपको क्या करना है, 5 से 2 घटाना है। तो सबसे पहले 5 कहाँ है आपके पास, 5 देखिए यहाँ पे है 5, ठीक है, 5 से 2 घटाइए, आपको क्या मिलेगा, 1 घटा दिया, ठीक है, और 2 घटा दिया, आपको क्या मिला, 5 से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5 से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमको मिलता है 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 2 घटाने से हमको क्या मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है। सो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे, 5 से क्या घटाना है, जो आप मैंने यहाँ पे इंडिकेट करके रिप्रेजेंट किया, इसी प्रकार से आपको भी रिप्रेजेंट करना है। सो 5 से हम 2 घटाते हैं तो हमको 3 मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को देखेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है, ये देखिए आपको क्या है, 8 से 7 घटाना है, 8 से क्या घटाना है, 7 घटाना है। यहाँ पे कुछ नंबरिंग मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, ओके, आपको 8 से 7 को घटाना है। और यहाँ पे संख्या रेखा आपको दिख रहा है, 0 से लेके 9 तक मैंने संख्या रेखा पे लिखा है। तो सबसे पहले आपको 8 देखिए, 8 कहाँ है, 8 से कितना घटाना है, 7 घटाना है, ये 8 को मैंने गोल कर दिया, अभी 7 घटाना है 8 से। तो काउंट करिए, 1 है ना, 2, इस प्रकार से काउंट करिए, 3 4 5 6 7, कितना घटाना है हमको, 7 घटाना है। पहुंच गया हम लोग कहाँ पे, पहुंच गया हम लोग, पहुंच गए 1 पे, ठीक है। सो 8 से अगर हम 7 घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 8 से अगर हम 7 घटाते हैं तो इस प्रकार से हमको 1 मिलता है, ठीक है। आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। हम क्या कर रहे थे, मतलब एक एक संख्या को आगे बढ़ बढ़ के हमने आगे किया और लास्ट में हम लोग कहाँ पहुँच गए, 1 में पहुँच गए, यानी कि 8 से अगर हम 7 घटाते हैं संख्या रेखा पे तो हमको 1 मिलता है, ठीक है। सो इस प्रकार से इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं, आगे वाला प्रश्न जो है, आगे वाला प्रश्न क्या है, 6 में 6 घटाना है, 6 में 6 घटाना है, ठीक है। ये संख्या रेखा हो गया,
और इसका नंबरिंग यहाँ पे हो गया, ठीक है। सो नंबरिंग आप कर सकते हो अलग अलग से यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सिक्स से सिक्स घटाना है, तो जहाँ से सिक्स घटाना है सिक्स को गोल कर दिया हमने, अब यहाँ से हमको सिक्स घटाना है। काउंट करिए, एक दो तीन चार पाँच और क्या मिल गया, छः। तो क्या मिला हमको, अगर हम छः में छः घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, आप देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से मैं एरो दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। छः में छः घटाने से हमको क्या मिलेगा, छः में अगर हम छः घटा देते हैं तो हमको मिलेगा शून्य। छः में छः घटाने से क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं संख्या रेखा में। बच्चों आशा करता हूँ जो संख्या रेखा में हम कैसे घटाते हैं, इसके बाद जोड़ गुणा भाग वो सारा चीज़ संख्या रेखा में हम कैसे करते हैं आगे वाला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये आपने कॉपी में लिख लेना है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।